के मुताबिक 72 इंच कतरे की मेन लाइन बैक प्रेशर से फट गई है, जिससे पूरे शहर को पंपिंग का अमल रुक गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सोहेल रब से। सोहेल रब, बताइएगा कब तक ये मामला हल हो जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे ही आज बिजली का ब्रेकडाउन हुआ शहर में, तो शहर को जो पानी पहुंचाती है मेन 72 इंच कुतर की लाइन, वो बैक प्रेशर से फट गई और उसके बाद जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं, चाहे वो धाबी जी पे हों, घरों पे हों, एनीके पे हों या फिपरी पे हों, तकरीबन कोई 70 से जायद ये पंप्स हैं जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी पहुँचाते हैं और ये 70 अभी बंद हुए हैं। जब हमारी चीफ इंतखाब राजपूत सोहेल रब हमें अपडेट कर रहे थे, कराची में बिजली ब्रेकडाउन के बाद पानी के बहरान ने भी सर उठा लिया है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक 72 इंच कुतरे की मेन लाइन बैक प्रेशर से फट गई है, जिससे पूरे शहर को पंपिंग का अमल रुक गया है। मेन लाइन पर मुरम्मती काम जारी है। वाटर बोर्ड के तर्जुमान का बताना है कि मुरम्मती काम रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पानी की सप्लाई में 72 घंटे लगेंगे। बिजली ब्रेकडाउन के बाद पानी का बहरान भी उठ गया है। शहर को पानी पहुँचाने वाली 72 इंच कुतरे की मेन लाइन फट गई।